नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे पाल मिस्ट्री ज्ञान चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि क्या आपके हाथ पे मनी का ट्रायंगल बनता है। अगर मनी का ट्रायंगल बनता है तो ऐसे लोग जीवन में बहुत अधिक मात्रा में पैसे की सेविंग करते हैं। और इस वीडियो को आप पूरा देखें, इस वीडियो के माध्यम से आपको एक नई और रोचक जानकारी मिलने वाली है। और ये मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे उसके लिए आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए अपने हाथ की तीन मुख्य रेखाओं को देखते हैं। सबसे पहली हमारी ये जीवन रेखा। जीवन रेखा हमारे जीवन के एक एक प्रोस्पेक्ट के बारे में बताती है। ये मस्तिष्क रेखा हमारे मन के विचारों के बारे में बताती है। हम किसी बात को कितना एक्सप्लेन करते हैं उसके बारे में बताती है। ये हमारी हृदय रेखा, हम किसी के साथ कितना अटैचमेंट है, हमारा इमोशनल प्यार कितना है उसके बारे में बताती है। आज हमने सबसे पहले बात की है कि आपके हाथ में मनी का ट्रायंगल है। अगर मनी का ट्रायंगल जो होता है, वैसे जो लोग होते हैं जीवन में अधिक मात्रा में पैसे कमाते हैं और सेविंग भी करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम अपने भाग्य रेखा को देखते हैं कि हमारा भाग्य कितना प्रबल है। ये हमारा केतु का क्षेत्र है। केतु के क्षेत्र से चलकर ये हमारी भाग्य रेखा मस्तिष्क रेखा को काटते हुए, इस हमारे हृदय रेखा को काटते हुए शनि के पर्वत पर पहुंचती है। ऐसे लोगों का जो भाग्य है काफी प्रबल है, काफी सशक्त है। ऐसे लोग जिंदगी में ऊंचाइयों पे अवश्य पहुंचते हैं, पैसा खूब कमाते हैं। इसी के साथ इस रेखा में कोई दीप का चिन्ह ना हो, क्रोस का ना हो और ये रेखाएं लहरदार ना हो तो आपका भाग जो है काफी प्रबल है। अब दूसरा सवाल यहां पर होता है कि क्या आप पैसे कमाएंगे तो उस पैसे को आप बचत करेंगे। अब मनी का ट्रायंगल देखते हैं कैसे बनता है। ये हमारी जीवन रेखा, जीवन रेखा से एक रेखा निकलकर ये हमारी बुध के क्षेत्र पे पहुंच रही है। ये हमारा बुध का पर्वत है। बुध के पर्वत पर पहुंचने की रेखा को हम, ये जो बीच में ये मनी का ट्रायंगल इसको बोलते हैं, मनी का ट्रायंगल। ऐसे लोग अपने जीवन में बहुत पैसे का संग्रह करते हैं, पैसे उनके पास इकट्ठा होता है और पैसे के दम पर मान सम्मान इज्जत सब कुछ हासिल करते हैं। और किस प्रोफेशनल से उन्होंने पैसा कमाया है, अगर ये आपकी बुध की रेखा प्रबल है और बुध के इस पर्वत पर ये तीन चार खड़ी लाइनें आपको एक अस्पष्ट वक्ता भी बताती है। और यहां पर अगर एक त्रिकोण बनता है, त्रिकोण आपके प्रोफेशनल को और बढ़ाती है, पैसे को इकट्ठा करने का काम करती है। आपका जो बिजनेस और व्यापार है काफी अच्छा है, उसके माध्यम से आप एक बहुत बड़े उद्योगपति बनेंगे और जीवन में मान सम्मान प्राप्त करेंगे। इसी के साथ ये जो हमारी माइंड लाइन है, माइंड लाइन और इस हमारी भाग रेखा और ये जो हमारी जो है बुध की रेखा से बना हुआ ये मनी का ट्रायंगल। मनी का ट्रायंगल पैसे के संग्रह कराता है और ये जो हमारा माइंड है, माइंड हमारा एक एक विचारों को व्यक्त करता है। हम जो नई नई चीजें सोचते हैं, जो नई नई कारोबार करते हैं, हमारा मन, हमारा माइंड उसके ऊपर प्रॉपर काम करता है। हम किसी भी काम करने के लिए अगर हमारा माइंड अच्छा है, हम नई तकनीक सोचते हैं तो उस सोचने का जो जरिया बना है वो पैसा कमाने का जरिया आपकी बोली बाड़ी से आया है, आपकी सोच से आया है। और ये जो भाग रेखा है आपकी प्रबल है। भाग रेखा प्रबल होने से भाग तो जागृत है, लेकिन सेविंग आपका मनी का ट्रायंगल जब तक नहीं बनेगा तो आप पैसे की सेविंग नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये रही आज की हमारी वीडियो। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। और आपका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।